हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू मॉम स्क्वाड। दोस्तों, प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये हम सबको पता है। बिकॉज हेल्दी डाइट जो होती है उससे हमारे बेबी को ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी में भी कई तरह के चेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसे में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और उनमें से एक ज़रूरी मिनरल है आयरन। आयरन का इंटेक हमें प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है बिकॉज प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, इसीलिए आयरन की रिक्वायरमेंट भी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। बिकॉज आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड बनाने में हेल्प करता है। इनकेस अगर आपको आयरन की कमी हो जाती है तो आपको अनीमिया जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिससे कि प्रेगनेंसी में भी कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या वो बेसिक सोर्सेज हैं आयरन के जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना आयरन लेवल मेंटेन रख सकते हैं। क्या वो चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और क्या वो चीजें हैं जिनसे जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में वो लिमिट हो सकता है। तो हो सकता है आप आयरन अच्छी मात्रा में खा रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या वो बेसिक सोर्सेज है आयरन के जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का वो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो अपनी डाइट में काफी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें, जैसे कि स्पिनच जो है वो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आयरन का। इसके अलावा ब्रोकली आप खा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा सोर्स होता है आयरन का। बीटरूट्स में अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिलता है। अगर आपसे कच्चा बीटरूट नहीं खाया जा रहा है तो मैंने बीटरूट की सब्जी की रेसिपी भी शेयर करी हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रही हूँ, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनार ले सकते हैं। अगर आप अनार का जूस लेना चाह रहे हैं तो ये बात जरूर याद रखिए कि आप पूरा भर के ग्लास मत पीजिए, बिकॉज एक अनार का जूस अगर आप सोचेंगे तो वो पूरा ग्लास नहीं निकलेगा, वो आधा ग्लास ही निकलेगा। और ये टेंडेंसी होती है अगर हम जूस पीते हैं तो हम ज्यादा पी लेते हैं, तो अगर आप ज्यादा जूस पी लोगे, यानी कि वो दो तीन अनार का जूस आराम से बनेगा एक बड़ा ग्लास, तो उससे क्या होगा, एकदम से ज्यादा आयरन आप अगर आप ले लोगे तो ज्यादा आयरन से क्या होता है, कई बार खाने से लूज मोशन हो जाती है या फिर आपको वॉमिटिश जैसी फीलिंग आ सकती है। तो अगर आप अनार का जूस पीना तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो वो आप लिमिटेड ही पिए। और एक और चीज ध्यान रखिए कि आप आयरन ज्यादा कभी भी खाली पेट ना खाएं, उससे भी क्या हो सकता है आपको वॉमिटिश फील हो सकता है, या फिर ज्यादा अगर आप ले लेंगे कुछ ऐसा आयरन वाला तो उससे आपको लूज मोशंस भी आ सकती हैं, तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें। तो अब इसके अलावा और फ्रूट्स की बात करें तो वाटरमेलन में आपको कंटेंट मिलेगा आयरन का, उसके अलावा आपको ड्राइड एप्रिकॉट्स में आयरन मिलता है, फिग्स खा सकते हैं जो कि होता है अंजीर खा सकते हैं, और रेजिन्स खा सकते हैं जिनमें कि आपको आयरन कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप खजूर ले सकते हैं। अगर ज्यादा गर्मियां हैं तो आप दो खजूर आराम से दिन में ले सकते हैं। ये मैंने अपनी डॉक्टर से भी पूछा था कि बिकॉज जब मेरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्मियां आ गई थी तो मैंने उनसे चेक किया था कि खजूर मैं ज्यादा खा सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप दो खजूर दिन में आराम से खा सकते हो, तो गर्मियों में आप दो खजूर आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप गुड़ चना अपने साथ रखिए, गुड़ में भी आयरन होता है और चने में भी आपको आयरन कंटेंट मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक आपके लिए हो सकता है, तो जब भी आपको बीच बीच में भूख लगती है आप गुड़ चना खाइए, बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा आप चिक पीज ले सकते हैं, यानी कि सफेद चना, उसमें आपको आयरन कंटेंट मिलता है। काले चने खाइए आप, और रेड मीट ले सकते हैं आप, एग्स ले सकते हैं। तो ये सब जो सोर्सेज हैं इनमें आपको अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाएगा, तो इन सबको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और आयरन लेवल को मेंटेन रखिए। और एक स्पेशल टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आप एक लोहे की कढ़ाई ले आइए, और जो भी आप सब्जियां बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप काले चने बना रहे हैं तो वो आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए, या फिर अगर आप पालक बना रहे हैं तो वो आप लोहे की कढ़ाई में बनाइए, जिससे कि आपको आयरन अच्छे से और ज्यादा भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो ये एक स्पेशल टिप है, तो फटाफट लोहे की कढ़ाई ले आइए। तो ये तो बात हो गई उन सब सोर्सेस की जिनसे आप जो है अपने बॉडी में आयरन लेवल जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगी उस चीज का जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी में आयरन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा
और वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में काफी हेल्पफुल रहता है, तो आप अपनी डाइट में विटामिन सी रिच खाना भी इंक्लूड करें, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गए, कीवीज हो गई, बेल पेपर्स, टोमेटोज, इन सब में जो है आपको विटामिन सी मिल जाता है। तो विटामिन सी रिच खाना खाएं आयरन के साथ, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को लिमिट करता है, वो है कैल्शियम। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चीज या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आप आयरन रिच फूड के साथ ना लें, बिकॉज इससे क्या होगा आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन खाने का फायदा नहीं है। तो कैल्शियम और आयरन, इन दो चीजों को आपको साथ में नहीं लेना है। तो अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिसमें कि कैल्शियम ज्यादा है तो आप एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें और उसके बाद ही आयरन रिच खाना खाइए, जिससे कि जो है आयरन आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा आसानी से। दोनों चीजें साथ में मत लीजिए। ऐसे ही अगर डॉक्टर आपको जैसे सप्लीमेंट्स भी देते ही हैं, आयरन के भी देते हैं और कैल्शियम के भी देते हैं, और कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम सारे टैबलेट्स एक साथ खाने की करते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप आयरन और कैल्शियम की गोलियां साथ में खा रहे हैं तो आप इमीडिएटली रुक जाइए। अगर आप कैल्शियम की गोली मॉर्निंग में ले रहे हैं तो आप आयरन की गोली जो है वो आफ्टरनून में लीजिए। इनकेस अगर आपने लंच में दही ले लिया है तो आप 2 घंटे रुकिए और उसके बाद आयरन की गोली खाइए। तो दोनों में थोड़ा सा आप गैप रखें ताकि दोनों चीजें आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस चीज का ध्यान आप बिल्कुल रखिए, बिकॉज ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप इतना कुछ खा रहे हो तो उसका फायदा भी आपको मिलना चाहिए। तो ये चीज जरूर अपने माइंड में रखिए। और साथ ही साथ ये वीडियो आपकी सारी एक्सपेक्टिंग फ्रेंड्स के साथ, प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होना बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम स्क्वाड। गुड बाय एंड टेक केयर।